गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नाइन हिपोस प्रॉमिस हिप्पो जानते हो बेटा हिपोपटामिस इट्स एन an एनिमल है ना हिपोपटामिस क्या है एक एनिमल है एंड दिस इज दी बिगेस्ट एनिमल ऑन दी अर्थ है ना बहुत ही बड़ा होता है और आ, फैट होता है है ना इसकी इस स्किन ठीक होती है ठीक ये है हमारा हिपो अब हिपो प्रॉमिस किया तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हिपो में हिपो जो है वो क्या प्रॉमिस करते हैं है ना हिप्पो का प्रॉमिस ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम पढ़ रहे हैं मॉरल साइंस चैप्टर नंबर नाइन है ना हमने चैप्टर नंबर एट तक का चैप्टर्स को पूरा पढ़ लिए है उसका जो रिविज़न भी हमने कम्प्लीट कर लिया है और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी हमने कम्प्लीट कर लिया है जिसकी कॉपी कम्प्लीट नहीं है यू कैन कंसल्ट विथ योर फ्रेंड्स आस्क योर फ्रेंड्स एंड कम्प्लीट योर कॉपी एज सुन एज पॉसिबल ओके ना लेट स्टार्ट रीडिंग पीपल विथ गुड इंटेंशन मेक द प्रोमसेस बट द पीपल विध गुड कैरेक्टर कीप दैम ये जो लाइन है वो ये बोल रहा है कि जो लोग होते हैं जिनका इंटेंशन सही रहता है जिनका इरादा सही रहता है वो प्रामिस करते हैं करते हैं जैसे आप प्रामिस करते हो कि uh, डेली मैं स्कूल जाऊँगी डेली मैं होमवर्क करूँगी या डेली मैं Uh, uh, ये काम करूँगा बात मानूंगा ऐसा प्रॉमिस करते हैं बट द पीपल विथ गुड कैरेक्टर कीप देम प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता प्रॉमिस तो हर कोई कर लेता है बट जिनका कैरेक्टर सही है जो इंसान सही है वो क्या करते हैं उस जो प्रॉमिस है उसको रखता है इट मीनस वो फॉलो करता है जैसे आपने प्रॉमिस किया सपोज दैट यू डू योर वर्क एवरीडे आप अपना जो काम है उसको रोज करोगे एंड चाहे वो होमवर्क हो चाहे डेली का काम हो ये प्रॉमिस किया अगर आप सही हो तो आप उसको डेली करोगे ही करोगे है ना अगर आप उसको डेली कर रहे हो इट मीन्स यू आर अ गुड पर्सन एम ए राइट मतलब आपने जो बोला उसको आपने करके दिखाया एंड यू हैव टू बी लाइक दैट आपको उसके जैसे होना ही चाहिए आप जो प्रॉमिस करते हो उसको आपको फुलफिल भी करना चाहिए ओके okay, बेटा चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप लोग को बुक रीडिंग आती है कि नहीं एक काम करोगे ना आप लोग ने क्या करना ग्रुप में एक एक पैराग्राफ को पढ़िएगा आप कोई भी सा एक पैराग्राफ पैराग्राफ समझते हो ना यहाँ से लेके कर यहाँ तक का ठीक एक पैराग्राफ आप लोग पढ़ना और फिर उसको क्या करोगे वॉइस रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजेंगे ठीक आप जो पढ़ोगे उसका वॉइस आप लोग रिकॉर्ड करोगे और आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग को ग्रुप में भेजोगे आई एम रिपीटिंग एक पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ से लेके कर यहाँ हो चाहे यहाँ से लेके कर यहाँ हो कैसा भी हो ये दोनों पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ पढ़ोगे आप लोग और उसका वॉइस को रिकॉर्ड करके आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे ओके ओके मैं इसके पहले मैं पढ़ देती हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इट इज फाउंड इन अफ्रीका इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन वाटर डिड यू से हिपोपोटामस यू आर राइट सो वॉट डू यू थिंक दिस ह्यूज एनिमल इट्स एनिमल दैट स्पेंड सो मच वाटर सो मच टाइम इन वाटर यू मे थिंक वुड फाइंड इट्स फूड इन द वाटर टू

हम लोग को पता है सबसे बिगेस्ट एनिमल क्या है ये कहाँ मिलते हैं बेसिकली अफ्रीका में मिलते हैं और आपको पता है हिपोपोटामस कहाँ रहता है जनरली अपना ज़्यादा टाइम पूरे दिन भर में मैक्सिमम टाइम वो वाटर में स्पेंड करते हैं मतलब पानी में वो रहता है वो पानी में डूबा रहता है ठीक पर आपको पता है क्या ये पानी में क्यों डूबा रहता है ठीक और बहुत लोग को ऐसे लगता होगा जैसे मछली है पानी में रहती है और खाती क्या है वहाँ का पानी के अंदर ही जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट होते हैं उसको खाती है छोटे छोटे ग्रास को खाती है काई बोलते हैं काई जानते हो काई उसको भी खाती है मछलियाँ तो जैसे कि मछली जो है पानी में रहती है और वो मछ मच... अंदर ही पानी के अंदर जो जो मिलता है उसको खाती है पर क्या हिपोपोटामस भी वैसे ही करते हैं वो भी पानी में रहते हैं तो क्या कुछ लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि हिपोपोटामस पानी में रहता है तो पानी में मिलने वाली छोटे छोटे जानवर को खाएगा या पानी में ही कुछ मिलता होगा जिसको वो खाता होगा पर नहीं ऐसा नहीं है हिपोपोटामस हालांकि बहुत ही टाइम अपना जो जैसे ट्वेंटी फोर आवर्स है उसमें आधा से ज़्यादा टाइम उसका पानी में निकलते हैं पर वो खाने के लिए क्या करते हैं पानी से बाहर निकलते हैं पानी से बाहर निकलने के बाद वो ग्रास को क्या करते हैं सर्च करते हैं ग्रास उसका फेवरेट फूड है है ना घास खाता है कौन हिपोपोटामस क्या खाता है बेटा घास दैट इज ग्रास ठीक तो हिपोपोटामस uh, का फेवरेट फूड क्या है ग्रास इज़ द फेवरेट फूड ऑफ हिप्पो ओके तो जैसे ही वो आफ्टर स्पेंडिंग द डे इन वाटर वो पूरा दिन क्या करता है पानी में स्पेंड करता है लेकिन जब उसको भूख लगती है वो क्या करते हैं वहाँ से निकलता है पानी से जो भी नदी तालाब जहाँ पे भी है वो और वहाँ से उसके बाद क्या करते हैं अपना फेवरेट फूड घास खाने के लिए निकल जाता है जंगल में फिर वहाँ से खा पी के फिर वापस पानी में आ जाते हैं ठीक तो ये एक स्टोरी है जिसमें अफ्रीका में एक जो ग्रैंड मदर उसकी दादी माँ है जो अपने बच्चों को क्या सुना रही है कहानी सुना रही है आपकी दादी लोग भी आपको कहानी सुनाते होंगे सुनाते हैं कि नहीं ठीक है वैसे ही हिप्पो जो क्या कर रहे हैं हिप्पो की जो कहानी है उसको कौन सुना रहे हैं दादी माँ सुना रहे हैं क्या के बारे में है कि भाई हिप्पो पानी में रहता है लेकिन खाता क्या है घास कहाँ से पानी से निकल के तो ये इतना स्ट्रेंज हैबिट ये जो है उठपटांग सा जो हरकत है ये हिप्पो ऐसा क्यों करते हैं है ना ये उसकी हैबिट कैसे बनी क्या हुआ इस कहानी में हम लोग ये पढ़ेंगे ओके सो लेट स्टार्ट स्टोरी लॉन्ग एगो बहुत पहले की बात है सो द स्टोरी गोज द ह्यूज लिव्ड ऑन द लैंड बहुत समय की बात है जो लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले की बात है है ना जहाँ से स्टोरी चालू होती है हेफ्टी मतलब पता है बड़ा सा लंबा लार्ज बड़ा उसको बोलते हेफ्टी ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है ठीक है जैसे एलिफेंट एक ह्यूज एनिमल है बहुत बड़ा होता है हिप्पो भी बड़ा होता है तो हिप्पो जो है कहाँ रहता था लैंड में रहता था लैंड मतलब होता है ज़मीन में रहता था ठीक मोस्ट ऑफ दी अफ्रीका इज़ वेरी हॉट जी हाँ जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका में क्या होती है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट ओके कॉन्टिनेंट के बारे में पता है आपको कॉन्टिनेंट जानते हो बेटा कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं आप उसको नाम से लिखोगे हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर दर इन दी वर्ल्ड नेम दी कॉन्टिनेंट्स आपको कितने कॉन्टिनेंट हैं उसका नाम लिख के मुझे भेजना है ठीक देन फॉर दिस वीडियो यू हैव टू वो होमवर्क फर्स्ट यू हैव टू सेंड दी वॉइस मैसेज और मी कैन से वॉइस वॉइस ऑफ योर डिक्टेसन आप जो पढ़ेंगे उसका आपको मुझे वॉइस भेजना है दूसरा आपको कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है ठीक है कितने कॉन्टिनेंट होते हैं वो मुझे बताना है ठीक तो आपको पता है कि अफ्रीका बहुत हॉट है तो हिप्पो जब निकलता था दिन में वो घूमते रहता था ऐसे जंगलों में या समझ लैंड में तो उसको बहुत गर्मी लगती थी क्यों गर्मी लगती थी सूर्य की किरणें उससे पड़ती थी सूरज के कारण और उसकी स्किन जो है बहुत थीन है थीन मतलब पतली स्किन है थी हिप्पो की ठीक अब इट डिड नॉट हैव फर लाइक डॉग फर समझते हो ना जैसे कुत्ते लोग का डॉग लोग का क्या रहता है ऐसे बाल 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 झब्बू झब्बू नहीं रहते हैं मतलब क्या बोलूँ ये मैं नॉर्मल वर्ड में बता रही हूँ फ़र समझते हो ना फर मतलब बाल तो भाई बेचारे हिप्पो के पास तो बाल नहीं है मतलब फ़र नहीं है है ना या ऑस्ट्रिच के जैसे पंख भी नहीं है देखो ऑस्ट्रिच लोग का पंख है तो इसको तो क्या गर्मी ज़्यादा लगती थी बिकॉज इट डिट नॉट है फ़ीदर फीदर मतलब पंख भी नहीं था जैसे ऑस्ट्रिच के पास है ना इसके पास बाल था ना पंख था इसलिए इसको क्या करता था ज़्यादा गर्मी लगता था ना ही ऐसा जो पेंगोलिन जो होते हैं उनके जैसे ऐसा ऐसा डॉटेड लाइन है या कुछ अदर कुछ सीन लेते सीधी इसकी स्किन में जो है ना धूप पड़ती थी तो उसको बहुत गर्मी लगती थी ठीक तो वैन द सन बिट डाउन दिन द हिपो इट स्किन गॉड बर्न तो इसको बहुत जलन होती थी मतलब जलती थी ना स्किन बहुत जब सूर्य की किरणें अचानक आपके शरीर में पड़े आपको बोले गर्मी में आधे घंटे बाहर रहो कितना परेशानी लगता है बताओ एकदम ईचिंग हो जाता है एकदम गर्मी गर्मी लगता है कि नहीं बहुत स्किन जलती है वैसे ही बेचारा बाहर जाता था ना हिप्पो तो उसको इसमें ना सीधे इसको धूप पड़ती थी तो उसकी स्किन जलती थी द इन पेन तो उसको बहुत दर्द होता था अरे यार एकदम शरीर जल रहा है ये वो करके एंड ही कुड नॉट बी लीव ऑन द लैंड एनी लॉन्गर फिर जैसे ही उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी वो बेचारा जमीन में रह नहीं पाता था वो जब ऐसे ही जाते रहता था इट लुक डट फिश एन अदर प्लेंग इन द रिवर एंड देयर कुल होम वो जब जाते रहता था तो वो देखा अब दे, वो जाते जाते देखा कहा रिवर पे अब वहाँ पे मछलियाँ रहती हैं और जो अलग जो और जो एनिमल्स हैं या जो बोलना चाहिए और जो चीज़ें हैं जो पानी में रहती हैं उसको देखता था सोचता था रेवा कितना मस्त उन लोग पानी में रहते हैं कितना मस्त कूल होम है उनका कितना ठंडा घर है उनको गर्मी होने का कोई टेंशन नहीं बढ़िया वो इन्जॉय कर रहे हैं दे डिड नॉट सिम टू फील द हीट और वो ये सोचता था कि भाई उनको तो मतलब एक्चुअल में उनको गर्मी तो नहीं लगती ना लोग पानी के अंदर रहते हैं तो गर्मी कहाँ से लगेगी तो वो ये सोचता था कौन हिप्पो ठीक किसको देख के फ़िश को देख के सोचता था आ समझ में दे डू नॉट सीम टू फील दी हीट उनको क्या नहीं होता है था गर्मी नहीं लगती थी कि इनको बेटा जो पानी में रहते हैं लाइक फिश एंड ऑटर ऑटर जानते हो ऑटर जो मछली खाता है ऑटर हिंदी में उद बिलाव बोलते हैं पर ऑटर इट्स एन एनिमल एक्चुअली ऑटर जानते हो कि नहीं उद बिलाव बोलते हैं और उसको और क्या बोलते हैं मेरे को उसका नाम और नहीं पता है ना पानी में ही रहता हो बेसिकली तो उनको देख के ऐसे ही सोचता था ठीक तो यहाँ तक आज हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़े बाकी के वीडियो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि कैसे हिप्पो जो है प्रॉमिस किया और क्या प्रॉमिस किया ओके बाय